हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास वन कंप्यूटर के चैप्टर 5 कंप्यूटर माउस के बारे में पढ़ेंगे। देखो चैप्टर में कौन कौन सा कंटेंट है, क्या क्या पढ़ने के लिए दिया हुआ है। माउस बटन्स, माउस के बटन्स, माउस पैड, माउस पॉइंटर, होल्डिंग ए माउस, माउस को कैसे पकड़ते हैं, उसका पॉइंटर का काम क्या होता है, क्लिकिंग कैसे क्लिक करते हैं, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग एल्सेट्रा। तो चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 39, माउस। देखो ये माउस है, ये कंप्यूटर के माउस है। माउस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट आइटम्स ऑन द मॉनिटर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मोनिटर स्क्रीन। माउस कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट आईज, ईयर्स, लेग्स, हैंड्स, नोज, ये सारे हैं कि नहीं, वैसे ही कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है माउस। एक इम्पोर्टेंट मतलब एक जरूरी विभाग है या भाग है माउस। इट इज यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट आइटम्स ऑन द मोनिटर। माउस को इस काम से यूज किया जाता है, पॉइंट करने के लिए, जो भी आइटम्स को पॉइंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए भी। सिलेक्ट मतलब चूज करने के लिए भी, जो मोनिटर स्क्रीन में होते हैं बहुत सारे आइटम्स, वो सारे आइटम्स को चूज करने के लिए और पॉइंटिंग करने के लिए माउस को यूज किया जाता है। और इस काम से माउस को हम यूज करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मोनिटर स्क्रीन। और मोनिटर का स्क्रीन के ऊपर पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ मतलब ड्राइंग करने के लिए हम कंप्यूटर माउस को यूज करते हैं। तो माउस पॉइंटिंग के लिए यूज किया जाता है, आइटम को सिलेक्ट करने के लिए या चूज करने के लिए यूज किया जाता है, और ड्रॉ पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो आप इसको पढ़ना और समझना, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।